और 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर का आ रहा है कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिसे आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप कौन कौन सा आंकड़ा एकत्रित कर सकते हैं, तो आपको पता है कि अपने क्लास में कितने लड़के है ना विद्यार्थी हैं उनकी संख्या, अपने अपने कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, चलिए और क्या क्या हो सकता है। दूसरा आप ले सकते हैं एक वर्ष में आए आए हमारे घर में है ना, आए हमारे घर के बिजली बिल है ना, घर का जो बिजली बिल एकत्रित कर सकते हैं कि नहीं, उसका आप आंकड़ा तैयार कर सकते हैं। तीसरा और क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। अच्छा, पिछले एक महीने के जेब खर्च आप ये भी कर सकते हैं ना, इसका आंकड़ा तैयार कर सकते हैं कि आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। अच्छा, चौथा क्या हो सकता है, तो समाचार पत्र से प्राप्त चुनाव के परिणाम है ना, और क्या हो सकता है, समाचार से प्राप्त है ना, देश के भिन्न भिन्न राज्यों की जनसंख्या, भिन्न भिन्न राज्यों की जनसंख्या। वैसे बहुत सारे आप आंकड़े तैयार कर सकते हैं, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15।